जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं सुग्रीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों एक 3 BHK का 95 गज का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा फ्लैट। दोस्तों ये फ्लैट मोहन गार्डन के एरिए में है। इस फ्लैट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, दोनों तरफ से दोस्तों मेन रोड से चौड़ी चौड़ी सड़कें लगभग 40-40 फीट की साइड लाइन से आती हैं, साइड की रोड्स आती हैं दोस्तों, और उससे हमारे इस फ्लैट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। मेट्रो लाइन से जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर्स का है, और अगर हम बात मेट्रो स्टेशन से करें तो करीबन 600 मीटर पर हमारा ये फ्लैट आता है दोस्तों। 95 गज का दोस्तों काफ़ी अच्छा ये फ्लैट है, और काफ़ी वाइड फ्रंट का ये फ्लैट है, विद कार पार्किंग, विद लिफ्ट, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, लोन के साथ आपको ये फ्लैट मिल जाता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ। कीमत अभी नहीं बताऊंगा दोस्तों, कीमत के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लैट बहुत अच्छा है, आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से इंजॉय करने वाले हैं, और लास्ट में मैं आपको इसकी कीमत बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि जो भी कीमत आप उसकी सुनेंगे वो इस फ्लैट के हिसाब से आपको बहुत बहुत जायज़ कीमत लगने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी इस वीडियो को, मिलते हैं इस वीडियो क्लिप के बाद। तो ये है हमारी बिल्डिंग की बाहर की रोड, ये 25 फीट की लाइन है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरफ भी आप देखिए काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है दोस्तों, और सामने जो रोड वो गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, सामने आप देखिए दोस्तों जो आपको वो रिक्शा और वो जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो रोड डायरेक्ट हमारी मेन रोड से आता है, और मेन रोड से दोस्तों काफ़ी नज़दीक हमारा ये फ्लैट है। आप वॉकिंग करके भी आ सकते हैं, 10 मिनट में आप मेट्रो लाइन से अपने फ्लैट पर पहुँच जाएंगे। और इस तरफ भी दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने टी पॉइंट से जैसे ही आप लोग लेफ्ट राइट लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो आप सामने मेट्रो लाइन पर पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग की एलिवेशन भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए दोस्तों बिल्डिंग की एलिवेशन पे बहुत ख़ास ध्यान दिया गया है, बहुत ही प्यारी गेटअप हमारी इस बिल्डिंग की आ रही है दोस्तों, वुडन कलर में, वाइट कलर में, और
डार्क ग्रे कलर में या ब्लैक कलर भी आप इसे कह सकते हैं दोस्तों, तीनों कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है, फोकस लाइट लगाई गई है। रात के टाइम दोस्तों हमारी इस बिल्डिंग का जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा गेटअप दोस्तों आता है। काफ़ी बड़ा वाइड फ्रंट का गेट यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ दोस्तों SS का की इसमें डिजाइनिंग की गई है हमारे इस गेट के अंदर, और जैसे ही हम लोग अंदर एंटर करते हैं तो हम लोग पहुँच जाते हैं हमारी पार्किंग के अंदर। पार्किंग का स्पेस दोस्तों काफ़ी बड़ा और काफ़ी वाइड है, आप देख सकते हैं कि इजीली आप यहां पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग को भी दोस्तों डेकोरेट किया गया है, यहां पे 4 फीट की हाइट तक की टाइल लगाई गई है और सीलिंग पे भी दोस्तों लाइटिंग का प्रॉपर ध्यान दिया गया है, आपको प्रॉपर जो है लाइटिंग हमारी इस पार्किंग के अंदर मिलेगी। जैसे हम लोग अंदर आते हैं दोस्तों एक गेट हमें पीछे की तरफ मिलता है, पीछे की तरफ जो गेट है दोस्तों यहाँ भी कभी एग्जिट करना हो तो पीछे 10 फीट की लेन है, वहाँ आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों प्रॉपर पार्किंग आपको मिलती है। इस तरफ हमारा स्टेयर केस है, स्टेयर केस के ठीक नीचे यहाँ पे हमें मोटर लगाने का स्पेस मिलता है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ दोस्तों हमारी लिफ्ट है, लिफ्ट का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्दी यहाँ पे लिफ्ट भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अब हमारे फ्लैट की तरफ। आज मैं आपको जो फ्लैट दिखाने वाला हूँ ये फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों, जो कि एज एन सिंपल फ्लैट रेडी किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिल्डिंग की तरफ। लिफ्ट से या फिर स्टेयर से ऊपर आने के बाद दोस्तों ये हमारी कॉमन लॉबी है। जैसे हम लोग अपनी कॉमन लॉबी से ऊपर आते हैं ये हमारी एक और कॉमन लॉबी है दोस्तों छोटी सी। इसमें हमारे जो इस तरफ फ्लैट है वो 60 स्क्वायर यार्ड के हैं, 2 BHK फ्लैट है, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे 3 BHK फ्लैट के बारे में। जैसे दोस्तों हम लोग एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही हमें काफ़ी बड़ा हमारा ये लिविंग स्पेस मिल जाता है। 14x14 का दोस्तों, 14x14 फीट का हमारा बहुत ही प्यारा यू शेप का हमें हमारा ये लिविंग स्पेस मिल जाता है दोस्तों। काफ़ी बड़ा और काफ़ी वाइड हमें इसका एरिया मिलता है, आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में भी ज़रूर नज़र आ रहा होगा दोस्तों, जिसकी फील है जो गेटअप है बहुत ही अच्छी है। नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं कि विट्रीफाइड टाइल यूज़ की गई हैं और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लगाई गई हैं, कभी भी दोस्तों इस पे स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। इस वॉल पर दोस्तों यहाँ आपको LED पैनल मिलता है, साथ में आपको डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ आपको प्रॉपर वॉल मिलती है जो कि डिज़ाइनर वॉल है, वॉलपेपर लगा हुआ है, 3D लुक का है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी गेटअप हमारे इस वॉलपेपर से हमारे इस ड्राॅइंग रूम की आ रही है। यहाँ दोस्तों आपको AC की प्रॉपर फिटिंग मिलती है, सिर्फ इनडोर एंड आउटडोर ही आपको इंस्टॉल करना है। सीलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो सीलिंग पर आपको बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस मिलते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी रूफ ऑलमोस्ट रूफ दोस्तों जो है वो कवर की गई है सीलिंग से विद LED लाइट एंड कॉब लाइट। तो बहुत ही प्यारा गेटअप हमारे लिविंग स्पेस का यहाँ हमें मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले हमारी किचन की तरफ। ये दोस्तों हमारी सेमी मॉडुलर किचन है। इस किचन में जैसे हम लोग एंट्री करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्टिंग में हमें ये शोपीस रखने के लिए एक डिज़ाइनर वॉल मिलती है, जो कि थोड़ा सा हमें सेपरेट भी करती है हमारे लिविंग स्पेस से, और दोस्तों बहुत ही अच्छा गेटअप भी हमारी किचन को देती है। अंदर आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि L टाइप का हमें टॉप मिलता है, जिस पर ब्लैक ग्रेनाइट का आपको काम मिलता है। नीचे भी आपको प्रॉपर बास्केट्स मिलती हैं, और ये बास्केट्स भी दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी भी चाहे क्रॉकरी आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। किचन की जो क्वालिटी है उस पर दोस्तों खास तौर पे ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों हमें हमारी चिमनी मिलती है, जो कि एक नए तरीके की नए फीचर के साथ चिमनी लगाई गई है। इसे ऑन करने के लिए आपको सिर्फ इसके सामने से ऐसे हाथ करना है और दोस्तों ये चिमनी ऑन हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और अगर हमें इस चिमनी को ऑफ करना हो तो हमें सिंपली ऐसे हाथ करना है और ये चिमनी हमारी ऑफ हो जाएगी। जादू की झप्पी है दोस्तों, सिर्फ देनी है और ये ऑन और ऑफ हो जाएगी। चलिए इसके अलावा यहाँ हमें बाकी स्टोरेज मिलती है पूरी किचन में, ऊपर भी और नीचे भी आप देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों हमें विंडो मिलती है, इसके पीछे शॉफ्ट है तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम भी इस किचन में कभी नहीं आने वाली। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि डबल आपको सिंक मिलते हैं, काफ़ी बड़ा और वाइड सिंक यहाँ लगाया गया है, ईजीली आप इसमें अपने जो बर्तन है दोस्तों उनको वॉश कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी किचन। इसके साइज़ भी अगर बात करूँ तो लगभग 8x8 फिट का हमारा ये साइज है किचन का। किचन के अंदर भी आपको फॉल सीलिंग के और लाइटिंग के प्रॉपर डिज़ाइन मिलेंगे दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी गेटअप और काफ़ी अच्छी फील हमारी इस किचन की आ रही है। जो भी यहाँ काम करेगा दोस्तों उसे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको पहले ले चलता हूँ हमारे इस तरफ वाले बेडरूम के लिए।
ये है दोस्तों हमारा पहला बेडरूम हमारे इस फ्लोर का, और इस बेडरूम की साइज की मैं बात कर लेता हूं तो 11 फीट बाय और 10 फीट का हमारा ये साइज है। इस बेडरूम में भी आपको यहां पे एक बड़ी शॉफ मिलती है। ये दोस्तों अंदर का बेडरूम है। अंदर के बेडरूम में अक्सर आपने देखा होगा कि सफोकेशन की प्रॉब्लम या वेंटिलेशन की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी बड़ी शॉफ्ट यहाँ पे दी गई है, काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है। यहाँ पे आप अगर चाहते हैं तो विंडो एसी भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरफ दोस्तों आपको प्रॉपर डिजाइनर वॉल मिलती है और आपको सेकेंड ऑप्शन एसी का यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर आप इंडोर एंड आउटडोर अगर आप चाहते हैं स्प्लिट एसी लगाना तो आप यहां पे इंडोर एंड आउटडोर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां आपको वॉल हैंगिंग लाइट्स मिलती हैं दोस्तों, साथ में आपको काफी बड़ी वार्डरोब भी यहां पे मिलती है। प्रॉपर वार्डरोब है दोस्तों, ऊपर और नीचे आपको प्रॉपर सामान रखने के लिए स्पेस मिलता है। अंदर और बाहर माइका लगाई गई है ताकि साफ सफाई की किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं आए। यहां पर दोस्तों आपको एक टेबल मिलता है, इसे आप स्टडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए प्रॉपर एक ये जगह बन सकती है दोस्तों। ऊपर आपको बुक शेल्फ मिलती है आपको बुक्स रखने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर आपको अगर अपने ऑफिस का काम करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर आप अपनी फाइल्स को रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पहला बेडरूम। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे कॉमन वॉशरूम की तरफ, देन हम लोग चलेंगे हमारे बेडरूम्स की तरफ। ये है दोस्तों हमारा कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम में दोस्तों काफ़ी अच्छा काम किया गया है, टाइलिंग वर्क जो है आप देख सकते हैं, रूफ हाइट तक की टाइल्स है और बहुत अच्छा फील यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि आप किसी बड़े होटल में जाते हैं तो या बड़े गेस्ट हाउस में जाते हैं तो उसी तरह की फील दोस्तों हमारी इस वॉशरूम की है। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, बेथिंग स्पेस यहाँ अलग से दिया हुआ है दोस्तों, आराम से आप यहाँ बेथिंग कर सकते हैं। देन इस तरफ वॉल हैंगिंग शीट आपको मिलती है, यहाँ पर आपको बेसिन मिलता है और जो भी काम किया गया है दोस्तों क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं कि जो वॉल हैंगिंग शीट है वो हिंदवेयर की यूज़ की गई है, इटालियन कलेक्शन है दोस्तों ये। ऊपर आपको प्रॉपर गीजर लगाने का स्पेस मिलता है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे बेडरूम की तरफ। ये है हमारा सेकेंड बेडरूम, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा बेडरूम है दोस्तों। इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं करीबन 12 फीट बाय और लगभग 11 फीट का हमारा ये बेडरूम है। इस बेडरूम में ये फ्रंट का होने की वजह से काफ़ी अच्छी रोशनी दोस्तों प्रॉपरली यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आपको एक वॉल डिज़ाइनर मिलती है और फॉल सीलिंग के डिज़ाइन प्रॉपर आपको मिलते हैं। इस छत पर भी दोस्तों बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारा गेटअप हमारी फॉल सीलिंग का है। फॉल सीलिंग देख के दोस्तों डेफिनेटली आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं, काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव काम हमारे इस फ्लैट में आपको मिलेगा। यहाँ आपको दोस्तों LED पैनल मिलता है, वुडन कलर का LED पैनल है और काफ़ी अच्छा सिंपल एंड सोबर ये आपको पैनल मिलता है। वुडन कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको ये हमारा LED पैनल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बालकनी की तरफ। ये है दोस्तों हमारी बहुत ही अच्छी और वाइड बालकनी। इस बालकनी में दोस्तों आपको प्रॉपर यहाँ पे स्पेस मिलता है वॉशिंग के लिए। इस तरफ थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ज़्यादा की गई है, करीबन 5 फीट की चौड़ाई की गई है दोस्तों। आराम से आप यहां पे अपने बड़े वाली वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, कपड़े वॉश कर सकते हैं। टैब एंड आउटलेट जो वाटर का है दोस्तों यहां पे आपको दिया गया है। रेलिंग स्टील की दी गई है दोस्तों विद टफन ग्लासेस, जो कि हमारी बिल्डिंग को भी और हमारी बालकनी को भी बहुत ही प्यारी और अच्छी गेटअप देता है। बिल्डिंग की दोस्तों मैं एक एलिवेशन की बात ज़रूर करूँगा, आपने एलिवेशन ज़रूर बाहर से देखी होगी, लेकिन आप ये देखिए ये जो वाइट कलर की टाइल्स लगाई गई हैं दोस्तों, ये बड़ी बड़ी टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं जो कि पूरी एलिवेशन को बहुत ही प्यारी गेटअप देती हैं। जब आप यहाँ पे बालकनी में खड़े होके या बैठकर दोस्तों चाय पीते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। वो रूम भी दोस्तों हमारा बालकनी की तरफ का रूम है, लेकिन उस रूम से बालकनी की एंट्री नहीं है, उसे कवर किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों हमारा थर्ड बेडरूम और इसकी जो फ्लोरिंग है ये वुडन फ्लोरिंग की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी गेटअप और बहुत ही अच्छी फील हमारे इस बेडरूम को देती है। इस बेडरूम में दोस्तों काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारी डिज़ाइनर वॉल से। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा प्यारा गेटअप हमारे इस वॉलपेपर का आ रहा है। इसके साथ साथ जो फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस यहाँ आपको मिलते हैं वो भी बहुत ही अच्छी गेटअप हमारी इस वॉल को देते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों प्रॉपर काम किया गया है, LED और कॉब लाइट्स का काम जो है यहाँ पे वॉल पे भी आपको मिलेगा। पूरा दोस्तों किंग साइज का बेड आपका लगता है,
किंग साइज का बेड लगने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लगभग 6 फीट बाय और रूफ हाइट तक की वार्डरोब आपको मिलती है। स्लाइडिंग गेट है दोस्तों इसमें, स्लाइडिंग ये हमारी क्लोजेट है, हमारी ये अलमीरा है, तो आप देख सकते हैं कि काफी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोनों ही तरफ दोस्तों काफी अच्छा स्पेस आपको मिलता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो दो पार्ट्स में बनी हुई है दोस्तों, और दोनों ही अलमीरा जो है ज्वाइंटली है, और काफी बड़ी अलमीरा आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस रूम के अंदर आपको यहाँ पे एलईडी पैनल मिलता है। एलईडी पैनल दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डबल शेड में डबल कलर कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही अच्छा गेटअप हमारे इस एलईडी पैनल का आ रहा है। यहाँ पे आप कोई भी सामान अपना जो भी चाहते हैं वो रख सकते हैं। इस रूम के अंदर आपको विंडो मिलती है, क्योंकि बालकनी वाला रूम है तो प्रॉपर सनलाइट आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको सेफ्टी ग्रिल्स मिलती हैं और बाहर आपको ग्लासेस की विंडो मिलती हैं। यहाँ दोस्तों आपको प्रॉपर एसी लगाने के लिए भी स्पेस मिलता है, विंडो एसी आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं, तो सनलाइट की प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं आएगी, ना ही वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको कभी आएगी। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आराम से आप फ्रेश एयर यहाँ पे दोस्तों फील कर सकते हैं। इस रूम के साथ दोस्तों आपको प्रॉपर वॉशरूम मिलता है। इस वॉशरूम में आपको रूफ हाइट तक की टाइल्स मिलती हैं, और जो भी यहाँ पे फिटिंग्स लगाई गई हैं वो बहुत ही अच्छी और क्वालिटी की हैं दोस्तों। टाइल का जो इस्तेमाल किया गया है दोस्तों वो बड़ी टाइल्स लगाई गई हैं यहाँ पे, जो कि काफी अच्छी गेटअप और फील हमारे इस वॉशरूम को देती हैं। इस रूम के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है हमारा ये ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पे आपको दोस्तों लुकिंग मिरर मिलता है, प्रॉपर आपको एक ड्रेसिंग टेबल मिलता है, नीचे आपको ड्रॉजेज मिलती हैं सामान रखने के लिए। तो इस रूम के अंदर दोस्तों काफी कुछ था जो मैंने आपको बताया। ये है दोस्तों हमारा पूरा 3 BHK का फ्लैट, और काफी अच्छी गेटअप है, काफी अच्छा फ्लैट है, काफी अच्छी मेकिंग है, और इसमें जितने भी दोस्तों रूम्स हैं या फिर हमारा जो लिविंग स्पेस है सबका साइज बहुत अच्छा है। आपको एक ओपननेस फील होगी, आपको सनलाइट फील होगी, आपको वेंटिलेशन फील होगा इस फ्लोर के अंदर, तो डेफिनेटली आप इस फ्लैट को पसंद करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको विजिट करवाता हूं हमारे इस फ्लैट की, और डेफिनेटली आपको ये फ्लैट पसंद आने वाला है। चलिए मैं बात करता हूं इसकी कीमत के बारे में। तो इसकी जो कीमत रखी गई है दोस्तों वो है 49 लाख रुपीज। 49 लाख रुपीज में दोस्तों विद कार पार्किंग, मेट्रो से नजदीक, मेन रोड से नजदीक, और एक अच्छी लोकेलिटी में गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको 3 BHK का 95 स्क्वायर यार्ड का ये फ्लैट मिल जाता है दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, आइए दोस्तों मिलते हैं, और किसी भी तरह की क्वारी के लिए आप हमें कॉल जरूर कीजिएगा, हम लोग इंतजार करेंगे। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।